चीज और बता दूं, कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि हम फेज टू में एग्जाम दे देंगे, अब यूनिवर्सिटी इतना स्ट्रिक्ट हो चुकी है। आज मेरी बात हुई है, सीधा बोला, अगर किसी बच्चे ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाया वेरीफाई होगा वो फेज टू के लिए। अब तक तो ये लोग लीनियंट थे, कॉपी भी इस बार लीनियंसी से चेक नहीं होने वाली है, क्योंकि कोर्ट में जाके जो इनको घसीट दिया, आज कोर्ट से जो घसीटा गया ना, तो बेइज्जती की गई है। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं हूं, लेकिन बातचीत से जो सॉल्यूशन निकलने वाला था उस पर पूरा पानी फेर दिया इन लोगों ने। ये 10-20-15 बच्चे हैं बस, मेरे को अच्छे से पता है, और बाकी बच्चों की तो मजबूरियां थी। अभी वो तानिया नाम की लड़की मेरे को मैसेज कर रही है उस पर इंस्टा पे कि सर गलती होगी, मैंने गलती से आपको गालियां दे दी, वहां पे तो एनवायरमेंट इस टाइप का बनाया हुआ था कि सभी आपको गालियां दे रहे थे। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा तो शर्म होती है ना आंखों में। आप लोगों के लिए गर्मी में 50 चक्कर काटे हैं दिल्ली के, और ये मीटिंग का फाइनल फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला था जो आज 5 बजे फिक्स थी, लेकिन सुबह ही जैसे उनके पास नोटिस पहुंचा कल, उन्होंने मना कर दिया कि हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अब देखेंगे कोर्ट के थ्रू ही, जिनके द्वारा मिलने जाना था उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला अच्छा एक तरफ आप कोर्ट जा रहे हो, एक तरफ आप मीटिंग की बात कर रहे हो, बहुत सही है। पहले तो मैं फुटेज नहीं देना चाहता था आपको, लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा, और सिर्फ मेरा दर्द यह है कि मेरी जो मीटिंग होने वाली थी उसको आपने कैंसिल करा दिया, और आपने लाखों बच्चों के करियर को बर्बाद कर दिया। कम से कम जो बच्चा पास नहीं हो रहा था वो पास तो हो जाता, कम से कम बच्चा जो फेज टू में एग्जाम नहीं दे रहा था वो फेज टू में तो एग्जाम दे सकता था ना, उसमें तो वो बेचारा पेपर देता, अब कहाँ से पेपर देगा वो, उसके वो भी ऑप्शन बंद होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सीधा बोल दिया कि जो वैलिड रीजन देगा, जिसके पास प्रूफ होंगे उसी का एग्जाम होगा, सब नहीं बैठ सकते। इस पर भी हम रिक्वेस्ट कर सकते थे उनसे, लेकिन सब खत्म कर दिया आपने अपने स्वार्थ के लिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, मजबूरी में कहना पड़ रहा है।